नमस्कार दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है टाइड। टाइड मीन्स ज्वार भाटा। दोस्तों आज हम लोग ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चे ये जो ज्वार भाटा है इससे भी संबंधित एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे टेट सीटेट के एग्जाम जब होते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछने की संभावना इस टॉपिक से पासा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट करते जाइएगा। अपने साथ कॉपी और पेन जरूर आप लोग अपने रखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊँगा आप उसको लेते चलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए बच्चे, अगर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले अगर बात करें ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा है क्या, टाइड क्या है, टाइड मीन्स ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल को ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। समझिएगा बात को, सूर्य और चंद्रमा, सन और मून के जो आकर्षण शक्ति होते हैं, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होते हैं, जो आकर्षण शक्ति जो है, तो आज से कि आकर्षण होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, तो आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वीय शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को कहा जाता है ज्वार और उसी को नीचे गिरने को कहा जाता है भाटा। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। और इससे उत्पन्न जो तरंग होती हैं इसको बोलते हैं ज्वारीय तरंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ज्वारीय तरंग कहा जाता है, मतलब टाइड वेव्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टाइड वेव्स कहते हैं, ज्वारीय तरंग इसे कहा जाता है। तो ये आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब एक और कंडीशन अगर हम लोग ज्वार भाटा के बारे में समझे तो ये कह सकते हैं कि सागर का जल, समुद्र का जल, जब समुद्र में आप जब जाते हैं और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आप जब जाते हैं तो वहां का कंडीशन बड़ा, मौसम बड़ा सुहाना होता है वहां का मौसम, क्योंकि वर्ष भर समुद्र तट के किनारे का मौसम जो होता है वह वर्ष भर लगभग एक समान सा रहता है ना, एक समान बना रहता है। इसका कारण भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में भी हम लोग। तब तक हम लोग इसके आज का जो सेशन चल रहा है इसी टॉपिक से संबंधित हम उस बात को देखें। तो समुद्र से समुद्र की जो लहरें होती हैं और वे लहरें जब ये तटवर्ती क्षेत्र की ओर ऊपर उठती हुई आती हैं बहुत दूर तक, उसे कहते हैं ज्वार, और जब वे लौटती हैं तब उसे कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं, भाटा। ये भी आप कह सकते हैं कि समुद्र का जो जल होता है बहुत वेग से स्थल भाग की ओर, तटवर्ती क्षेत्र की ओर बहुत वेग से आता है घूमते हुए और फिर वह लौट भी जाता है। जब आता है तो ज्वार, जब लौटता है तो भाटा कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह भी मैं बता दूं कि जो हुगली बंदरगाह है हम लोगों का, यह बंदरगाह जो हुगली है हम लोगों का, यहां पर आप देखोगे कि ये बंदरगाह का जो विकास है, इस बंदरगाह का विकास का सबसे बड़ा जो कारण है वह ज्वारीय तरंग ही है। इसी के चलते ये बंदरगाह भी बनने पाया हुगली बंदरगाह, अन्यथा बंदरगाह नहीं बनने पाता, समझ गए। तो ये भी एक कारण माना जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो ज्वार भाटा होते हैं, ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग अलग, दो कंडीशन को इसमें हम लोगों को समझना है। आप सबसे पहले इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि इसमें दो चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, मतलब दीर्घ ज्वार को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार को कहते हैं स्प्रिंग टाइड और लघु ज्वार को कहा जाता है निक टाइड। स्प्रिंग टाइड और निक टाइड, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार को
पूर्ण ज्वार या उच्च ज्वार भी कहा जाता है, ये नाम से जाने जाते हैं। इसी से संबंधित एक ग्राफ हम लोगों का है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य को आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है सो वो तो केंद्र में है, सूर्य तो केंद्र में है ना, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, और चंद्रमा, चंद्रमा भी जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह भी जो है सो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो मून है यह अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यह मून है, यह चंद्रमा है ना, ये क्या है, यह चंद्रमा है आपका। मैं चंद्रमा लिख दे रहा हूं सीधे, चलिए चंद्रमा ही लिख देता हूं, चंद्रमा, चंद्रमा, यह जो चंद्रमा है आपका, और यह भी चंद्रमा है, यह भी चंद्रमा है, यह भी चंद्रमा है, यह भी चंद्रमा है, इसी के कंडीशन को हम देख रहे हैं। थोड़ा सा हम हेडिंग को थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में चीजें आ सके अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये है आपका टाइड, TIDE, यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक, देखिए ये जो चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी चार जगह पर इंडिकेट किया गया है इस रेखा चित्र में, और मून भी आपका, चंद्रमा भी आपका जो है सो चार जगह पर इंडिकेट किया गया है, समझ गए। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर कि यहां पर लिखा गया है उच्च ज्वार, और यहां भी लिखा गया है उच्च ज्वार, यहां पूर्णिमा, यहां अमावस्या, और यहां पर निम्न ज्वार लिखा गया, यहां भी निम्न ज्वार होगा, निम्न ज्वार यहां भी होगा। तो ये हो कैसे रहे हैं, कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहां पर इस सूर्य जो है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी एक सीधी लाइन में है, यहां पर एक सरल रेखा में है, सीधी रेखा में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं यहीं पर, जिसे सिजगी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिजगी। सिजगी किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ दिया जाए तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि सिजगी किसे कहते हैं। तो सिजगी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसके बारे में आंसर आपको देना चाहिए कि सिजगी क्या है। तो सिजगी में आप तुरंत बता देंगे कि सिजगी क्या है, SYZYGY, सिजगी। ये सिजगी क्या है, तो सिजगी के बारे में हम यहां पर देखते हैं कि सिजगी क्या है। तो सिजगी जो है सो यही कहा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखीय स्थिति में होते हैं तो इसी को सिजगी कहा जाता है, या युति और व्युति कहते हैं। युति व्युति तो बता चुका हूं ना, तो युति और व्युति का कंडीशन ही सिजगी कहा जाता है, कोई विशिष्ट थोड़ी बातें हैं, बस वही चीजें हैं, उसी को सिजगी कहा जाता है। तो ये भी बात को याद में रखना है और अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेना है कि युति व्युति की स्थिति को ही सिजगी कहते हैं। मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल सीधी रेखा में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तो इस कंडीशंस को क्या कहते हैं, इसी कंडीशंस को हम कहते हैं क्या, सिजगी कहते हैं। समझ आ गया, दोनों कंडीशंस की बातें होंगी, युति व्युति को भी सिजगी, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के जो साथ यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर इधर से भी देख रहे हैं, तो ये सब स्थितियां सिजगी की हैं। समझ गए, तो ये तो आप समझ चुके हैं कि जो व्युति के दिन पूर्णिमा हो, व्युति की कंडीशन जो है सो चंद्र ग्रहण की स्थिति को हम लोग व्युति कहते हैं, और सूर्य ग्रहण की स्थिति को हम लोग युति कहते हैं। व्युति की स्थिति पूर्णिमा के दिन, और युति की स्थिति अमावस्या के दिन होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, चंद्रमा, अब यहां पर देख रहे हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा में आपको बता चुका हूं कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा। तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल काम कर रहा है, यहां दोनों का काम कर रहा है बल,
तो सूर्य और चंद्रमा जब एक सरल रेखा में हूं तो दोनों का यहाँ पर बल काम करता है, आकर्षण बल, और दोनों मिलकर के पृथ्वी के ऊपर जो जल है सागरीय जल को अपने ओर आकर्षित करते हैं, तो पृथ्वी का जल ऊपर की ओर उठता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं ज्वार। तो इस समय उच्च ज्वार महसूस किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उच्च ज्वार लिखा गया है। लेकिन यह पूर्णिमा को इंडिकेट कर रहा है, यह पूर्णिमा को इंडिकेट कर रहा है, और यह आपका अमावस्या को इंडिकेट कर रहा है। उच्च ज्वार अमावस्या को भी आता है और उच्च ज्वार पूर्णिमा को भी आता है, स्प्रिंग टाइड, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का शक्ति एक ही साथ काम कर रहा है, एक सीधी रेखा में है, इसलिए दोनों का आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य कर रही हैं। सूर्य चंद्रमा का आकर्षण शक्ति मिलकर जब एक साथ कार्य करेंगी तो पृथ्वी पर का जो जलीय भाग होगा, जो सागरीय जल है, वह ऊपर की ओर उठता है, उसी को बोलते हैं ज्वार, और जब नीचे गिरता है उसे बोलते हैं भाटा, और इससे उत्पन्न जो तरंग होती हैं उसको कहा जाता है ज्वारीय तरंग, मीन्स टाइड वेव्स इसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप समझ गए कि ये आपका उच्च ज्वार क्या है। उच्च ज्वार की दो कंडीशन मैंने आपको बताया, एक पूर्णिमा के दिन भी और एक अमावस्या के दिन भी। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे जरूर अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड स्थिति की। एक कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये निम्न ज्वार का कंडीशन है। तो निम्न ज्वार कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण बनाते हों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण बनाते हों, आप यहां पर देख रहे हैं प्यारे दोस्त कि यहां पर एक समकोण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समकोण इसी को तो बोलते हैं 90 डिग्री, और यही तो इस समकोण की स्थिति आपकी उत्पन्न हो रही है। यहां पर देखें ये भी समकोण की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहां पर भी समकोण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये आपका यहाँ ये चंद्रमा ही है आपका, यह भी चंद्रमा है, ये चंद्रमा, यह चंद्रमा, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हों तो वहां पर आकर्षण बल जो होता है एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल कम जब काम करता है तो पृथ्वी पर का जो सागरीय जल होता है वह ज्यादा उठने नहीं पाता, वह ज्यादा ऊपर नहीं जाने पाता, इसीलिए इसे निम्न ज्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण शक्ति विपरीत काम कर रही है, क्योंकि समकोणीय स्थिति में आ चुके हैं सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। तो जब भी यह समकोणीय स्थिति उत्पन्न होगा तो यहाँ भी समकोणीय स्थिति, इसलिए यहाँ भी निम्न ज्वार, और यहाँ भी समकोणीय स्थिति, इसलिए यहाँ पर भी निम्न ज्वार होगा। समझ गए, यहाँ पर ये बराबर है इसलिए सीधी सरल रेखा में है, इसलिए उच्च ज्वार महसूस किया जाएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति जो होते हैं वह साथ मिलकर काम करते हैं, इसीलिए उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। और यह स्थिति भी सिजगी कही जाती है, सिजगी इसी स्थिति को कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं निम्न ज्वार क्या है, तो निम्न ज्वार मतलब निप टाइड क्या है, तो निप टाइड को आप देखोगे प्यारे दोस्तों कि निप टाइड क्या है, कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो इसी को निप टाइड कहा जाता है, मतलब निम्न ज्वार कहा जाता है। तो आप यहां भी देख रहे हो समकोणीय स्थिति और यहां भी देख रहे हो समकोणीय स्थिति, तो यह भी आपका एक समकोणीय स्थिति ही है और यह भी आपका एक समकोणीय स्थिति ही है। ये चंद्रमा आपका मूव कर रहा है, क्या कर चंद्रमा आपका मूव कर रहा है, इसलिए यह स्थिति को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में क्या अंतर मैंने आपको बताया। अब एक बात और महत्वपूर्ण समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी तिथि को निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। इस लाइन को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद देखें अगला पॉइंट है कि प्रत्येक स्थान पर अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर दो बार ज्वार आता है। कितनी बार ज्वार आता है? दो बार ज्वार आता है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक स्थान पर जो है दो बार ज्वार जरूर आती है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है।
24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाती है। जब पूरा घूम जाती है तो एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर दो बार ज्वार आने की स्थिति उत्पन्न है। तो प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दो बार ज्वार आता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। मतलब प्रत्येक स्थान पर 12-12 घंटे पर ज्वार आना चाहिए, है ना। अर्थात प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होता। एक ही समय पर ज्वार नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अपने अक्ष पर, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए रोटेशन करते हुए वह रिवोल्यूशन करता है। जैसे पृथ्वी रोटेशन करते हुए सन का रिवोल्यूशन करता है, उसी तरीके से चंद्रमा जो होता है वह अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए वह अर्थ का रिवोल्यूशन करता है। जिसी के चलते जो है सो इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते आप देखोगे कि प्रतिदिन एक ही स्थान पर ज्वार नहीं आते हैं। 26 मिनट देर से आता है। कितने मिनट देर से आता है प्यारे दोस्तों? 26 मिनट देर से आता है प्रतिदिन ज्वार। इसका कारण आप लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना, यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। समझ गए? क्योंकि ऐसा जब होता है तो वह जो चंद्रमा जो होता है आपका, यह आगे की ओर निकल जाता है। क्या होता है? यह आगे की ओर निकल जाता है। ये आपके ज्वार भाटा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताए। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा के कारण क्या है? तो ज्वार भाटा के कारण अगर हम लोग देखें कॉज ऑफ टाइड, तो कॉज ऑफ टाइड के बारे में अगर चर्चा करें प्यारे दोस्तों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ गए? कॉज ऑफ टाइड, ज्वार भाटा के कारण क्या हो सकते हैं? तो ज्वार भाटा के कारण में अगर चर्चा करें अगर हम सबसे पहले कि क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण तो बताए गए हैं कि सूर्य का गुरुत्वीय बल बताया गया है। पहला पॉइंट क्या बताया गया? सूर्य का सूर्य का जो है सो गुरुत्वीय बल बताया गया। सूर्य का गुरुत्वीय बल मतलब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, यह भी एक ज्वार भाटा का कारण बनता है। दूसरा जो बताया गया वह है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल मतलब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका कारण माना जाता है। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, बच्चा क्या होता है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल यदि आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल क्या है, यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड जो अपकेंद्रीय है, तो अपकेंद्रीय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो अपकेंद्रीय को इंग्लिश में जब आपसे पूछा जाएगा इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग जो है सो सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल इसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो जो है सेंट्रीफ्यूगल जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसे हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल क्या है। वैसे फोर्स को ये यहाँ पर दो प्रकार की बताई जाती हैं। एक कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, और एक जो है सो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। तो
तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग जो है सो अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन हम लोगों को जो यहां पर देखना है वह अपकेंद्रीय बल देखना है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना है, अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी आपसे बात किया जाए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब केंद्र से जब बाहर की ओर फोर्स लगे, जब केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगे, इसी को हम लोग कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे आप लोग किसी गाड़ी में अगर बैठ करके जाते हैं और गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और एक टर्निंग पर जो फोर व्हीलर है बहुत आप मतलब गाड़ी पे बैठे हुए हैं फोर व्हीलर पे और गेट से उसका जो दरवाजा है उसे शट करके आप बैठे हुए हैं और जब फास्ट तरीके से एक जब मोड़ आता है, मोड़ पर जब ड्राइवर गाड़ी को घुमाता है फास्ट तरीके से, तो आपको लगता है कि अब हम गाड़ी से क्या हो जाएंगे, अब हम खिड़की जो है उसे बाहर फेंका जाएंगे, उसके दरवाजे से बाहर हम चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो फोर्स काम कर रहा है वह केंद्र से बाहर की ओर काम कर रहा है, इसी को कहा जाता है कि केंद्र की पृथ्वी, इसी ही कहते हैं अपकेंद्रीय बल। समझा गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे ही कहा जाता है। और इसी का विपरीत जब आप कहेंगे कि जब आप बाइक चलाने जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के लिए जब आप एक घर्षण भी होता है और घर्षण के साथ अपनी गाड़ी को आप झुकाते हैं किसी भी टर्निंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप उसको घर्षण को अगर आप फास्टी किए रहेंगे और घुमाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, आप घर्षण को भी कम करते हैं और तब जो है सो आप वहां पर करते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल में सबसे बड़ा होता है कि केंद्र की ओर जो बल लगे, जो बल केंद्र की ओर लगे उसे क्या कहते हैं, जो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसे ही हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है अपकेंद्रीय बल, मतलब वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगे। ये तीन कारण हैं। तो गुरुत्वीय फोर्स तो आपको बता चुका हूं कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा, इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। ये तो कारण आप समझ गए होंगे, अब आप इस लाइन को भी समझ गए होंगे, अब आप इस लाइन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये समझ लीजिए। अब मैं बताने वाला हूं कि इसके एक पॉइंट आप लिख लिए, इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा आप। अब मैं बताने वाला हूं कुछ सिद्धांत हैं कुछ संबंधित। अब सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ज्वार भाटा से संबंधित। तो ज्वार भाटा से संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत का नाम आता है कि जो है सो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पहला क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले आता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो न्यूटन को कहा जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूटन को कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है सो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्तों किसे कहा जाता है? न्यूटन को। न्यूटन इसके प्रतिपादक थे। कौन थे? न्यूटन इसके प्रतिपादक थे, ठीक ना? न्यूटन को माना जाता है, न्यूटन को इसका प्रतिपादक माना जाता है, समझ गए? अब अगर बात करेंगे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को अगर देखेंगे आप, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी कहा जाता है। किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। दूसरा जो आपका सिद्धांत है प्यारे दोस्तों ज्वार भाटा से संबंधित, वो आपका नाम क्या है? उसका गतिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो गतिक सिद्धांत है दूसरा आपका जो है सो ज्वार भाटा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके सिद्ध प्रतिपादक माने जाते हैं लाप्लास माने जाते हैं। किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? लाप्लास को माना जाता है। इसका गतिक सिद्धांत का प्रतिपादक लाप्लास को माना जाता है, जो ज्वार भाटा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।
तीसरी बात अगर हम लोग करें कि प्रगामी तरंग का सिद्धांत अगर देखें कि परंग देखें प्रगामी देखें प्रगामी अगर देखें हम लोग कि प्रगामी तरंग का सिद्धांत देखें प्रगामी तरंग का सिद्धांत किसने दिया था तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक जो है सो वेवेल को माना जाता है, इसका प्रतिपादक मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत आता है जो है सो उसका नाम है स्थैतिक तरंग का सिद्धांत। क्या माना जाता है? स्थैतिक तरंग का सिद्धांत कहा जाता है इसे। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो हैरिस को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, किसे मानते हैं? हैरिस को माना जाता है इसका प्रतिपादक। समझ गए? जो आपका गतिक सिद्धांत है, गतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो गतिक सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग कि डायनेमिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे? डायनेमिकल थ्योरी कहा जाता है, जिसको लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। अगर प्रगामी तरंग का सिद्धांत को देखा जाए कि प्रगामी तरंग का सिद्धांत जो के प्रतिपादक होते वेवेल थे, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। किसने दिया था? तो प्रोवाइडेड बाय वेवेल ने दिया था। स्थैतिक तरंग अगर आपसे पूछा जाए कि स्थैतिक तरंग के प्रतिपादक कौन थे, तो हैरिस माने जाते हैं, हैरिस को कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि स्टेशनरी वेव थ्योरी, तो स्टेशनरी वेव थ्योरी, इसके प्रतिपादक जो है हैरिस को कहा जाता है। ये प्यारे दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, और महत्वपूर्ण पॉइंट अगर होगा आपसे आपको तो आप अगर और पूछना होगा इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ चीजों को लिखिएगा और उसका आंसर हम जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके। क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप अगर स्टार्ट करते हैं देखना, जब तक अंत तक उस चीजों को नहीं देखते हैं तब तक आपको पूर्णतः समझ में नहीं आते हैं। इसलिए पूरा वीडियो को जरूर वॉच किया कीजिए। ठीक, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।